Hello students, welcome in our new video. पिछले दो वीडियो में हम लोगों ने रिंग की जो बेसिक रिंग पढ़ने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं उनका रिवाइज किया था। बहुत सारी चीज़ें आप फर्स्ट ईयर ग्रुप थ्योरी में पढ़ चुके हैं, कुछ चीज़ें पहले 11th 12th में भी पढ़ चुके थे आप। बेसिकली एक सेट और एक ऑपरेशन को लेकर जो जो प्रॉपर्टीज होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इन सब चीज़ों को यदि हम राउंड अप करें तो कुछ बेसिक डेफिनेशन बन जाती है। और एक सेट और एक ऑपरेशन है तो हम उसको ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशंस बोलते हैं, और एक सेट और दो ऑपरेशन हैं तो हमें हम रिंग थ्योरी की डेफिनेशंस बोलते हैं। तो हम रिवाइज कर लेते हैं रिंग की डेफिनेशन को और फिर आगे की कुछ और डेफिनेशंस देखते हैं। आर प्लस गुणा एक सेट है और दो ऑपरेशन है हमारे, इज ये एक तरह का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है, इज ए रिंग। ये रिंग बनेगा इफ ये तीन कंडीशंस फॉलो हो। फर्स्ट है आर प्लस के साथ अबेलियन ग्रुप बनाए, कम्यूटेटिव ग्रुप बनाए। सेकंड है आर सेकेंड ऑपरेशन गुणा के साथ सेमी ग्रुप बनाए, और थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। ये तीन चीजें यदि है तो एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें एक सेट हो और दो ऑपरेशन हो। यहां पे ये जरूरी है कि हमारे पास ऑपरेशन दो हो। पहले ऑपरेशन को हम एडिटिव ऑपरेशन बोलते हैं, और दूसरे ऑपरेशन को हम मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन बोलते हैं। पहले ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है उसको हम जीरो बोलते हैं, और दूसरे ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है उसे हम यूनिटी बोलते हैं। ये कुछ चीजें आपके ध्यान में रहेगी तो आगे जब कभी हम इनका यूज करेंगे तो ये आपको समझने में सहूलियत रहेगी। एक चीज और आप नोट कर लें कि अबेलियन ग्रुप है तो इसका मतलब हमारे को क्या करना है कि आर जो सेट है वो प्लस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। फिर दूसरा क्या करना है आपको, एसोसिएटिव से भी पहले आप क्लोज प्रॉपर्टी लिख लें, क्लोज है, क्लोज तो होते ही हैं वैसे। फिर आर प्लस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तीसरा है आर प्लस के लिए आइडेंटिटी एग्जिस्ट रखता है, आइडेंटिटी एग्जिस्ट होती है उसकी। चौथा है आपका आर प्लस के लिए इनवर्स एग्जिस्ट रखता है। फिर पांचवा हो जाएगा आपका आर प्लस के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इस क्रम से ही अपन प्रॉपर्टी प्रूव करते हैं ताकि अपने को हर बार कोई दिक्कत नहीं आए कि कौन सी रह गई है या क्या नहीं हुआ है। फिर यदि ये सेमी ग्रुप है तो क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप के लिए दो प्रॉपर्टियां इधर और लिखता हूं मैं, आर गुणा के लिए क्लोज हो, और इसका नाम रखते हैं R1 R1 2, इसका नाम रखते हैं R1 3, इसका नाम रखते हैं R1 4, इसका नाम रखते हैं R1 5, इसका नाम होगा R21, ये दूसरी हो जाएगी R22। ये दो प्रॉपर्टी है आर
गुणा के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रखता है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कौन सी है वो यहां लिखते हैं R31 ए, तीन एलिमेंट हैं तो ए प्लस बी क्रॉस सी किसके बराबर हो जाए, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए ए के साथ ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी, और R34 कौन सी हो जाएगी, 32 कौन सी हो जाएगी, ए प्लस बी क्रॉस सी है तो ए क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगी। ये 7, 5 और 2, 7 और 2, 9 प्रॉपर्टी यदि हमारे पास है तो हम इसे क्या कहते हैं, रिंग है। ये दिखने में ज्यादा दिख रही है लेकिन यदि आप देखें तो ये दो प्रॉपर्टी जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लोज प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव तो नहीं लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, क्लोज प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये आपकी हमेशा लागू होती है। कहाँ कहाँ लागू होती है, कौन कौन से सेट के लिए लागू होती है, ये आप याद रख लें तो आप जल्दी से उसको असाइन कर पाएंगे। सेट कौन कौन से हों तो ये लागू होती है नंबर थ्योरी के सेट, नंबर सिस्टम के सेट, जितने भी नंबर सिस्टम के सेट हैं उनमें एडिशन और गुणा जो हम ले रहे हैं उनके लिए क्लोज प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लागू होती है। हमारी नंबर सिस्टम के लिए लागू होती है, मैट्रिक्स जो सेट हैं उनके लिए लागू होती है, फंक्शन के जो सेट हैं उनमें लागू होती है। कोई स्पेशल सेट हो तो उसके लिए करके देखेंगे, स्पेशल सेट के लिए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि वो होती है नहीं होती है, हमें देखना पड़ेगा। अदरवाइज क्लोज डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका नंबर सिस्टम, मैट्रिक्स सिस्टम, फंक्शन और इनके लिए लागू होती है। तो ये रिंग के लिए हमने बात करी। रिंग के लिए बेसिकली तीन चीजें ध्यान में होनी चाहिए, आपका पहले ऑपरेशन के साथ अबेलियन ग्रुप हो, दूसरे ऑपरेशन के साथ सेमी ग्रुप हो और उनमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करे। ये तीन चीजें हैं तो वो रिंग बनाती है। दो डेफिनेशन यहां और कर लेते हैं, रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी में क्या हो जाएगा, ए रिंग इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी यूनिटी शब्द से आपको पता चल रहा होगा कि यूनिटी किसके लिए है। यूनिटी इज आवर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन की आइडेंटिटी को हम क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं। मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर जाए, ए रिंग इज यूनिटी, इस रिंग इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी, ये पूरा एक शब्द है, रिंग विद यूनिटी कही जाएगी इफ देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन। जो सेकेंड ऑपरेशन है हमारा मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, उसके लिए यदि आइडेंटिटी एग्जिस्ट करे तो हम क्या कहेंगे, रिंग विद यूनिटी कहेंगे उसको। तो हमारे डेफिनेशन में ये क्या बन जाएगा, और करके कहें तो ये क्या बन जाएगा, आर प्लस एबेलियन ग्रुप बने और इफ करके आप तीनों लिख सकते हैं, एबेलियन ग्रुप बने। फिर सेकंड के लिए क्या लिखना पड़ेगा आपको, आर गुणा के लिए क्या बन जाए, दो प्रॉपर्टी होती है तो वो आपको पता है सेमी ग्रुप बनता है और आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे तो वो मोनोइड बनता है, मोनोइड हो। और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है ही आपकी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करें तो ये रिंग विद यूनिटी कहलाती है। फिर एक और डेफिनेशन आती है कम्यूटेटिव रिंग।
इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिमिलर बन जाएगी, ए रिंग इज सेड टू बी रिंग विद यूनिटी, सॉरी रिंग विद यूनिटी नहीं, कम्यूटेटिव रिंग, इफ देयर एग्जिस्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन। मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे तो हम उसे क्या कहेंगे, कम्यूटेटिव रिंग कहेंगे। यहां पर कुछ इस तरह की डेफिनेशन तो हम नहीं बना पाएंगे इसकी, क्योंकि सीधा इसके पास यदि पहुंचता है तो हमारे पास कोई इसका नाम नहीं है, ये एक एक स्टेप वाइज ही नाम आते हैं, सेमी ग्रुप, मोनोइड, फिर ग्रुप और फिर हमारा एबेलियन ग्रुप। तो इस तरह की डेफिनेशन तो नहीं लिख पाएंगे ये जो डेफिनेशन हमने लिखी है इधर, लेकिन इसको सिंपल सा याद रखना है कि जो हमारा सेकंड ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, उसकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे तो वो कम्यूटेटिव रिंग बन जाएगा। एक डेफिनेशन इन दोनों तीनों के कॉम्बिनेशन से बन सकती है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, रिंग में रिंग तो है ही, इसमें इसके साथ कम्यूटेटिव भी आ गया और विद यूनिटी भी आ गया, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं ए रिंग इज सेड टू बी रिंग इज सेड टू बी ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इफ, दोनों चीजें इंक्लूड हो जाए, इफ देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन, आइडेंटिटी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन। मतलब आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एग्जिस्ट करे, किसके लिए, फॉर मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन के लिए। रिंग की प्रॉपर्टी तो होनी चाहिए, रिंग की ये जो नौ प्रॉपर्टी हैं वो तो होनी चाहिए, उसके साथ इसमें 10 और 11 प्रॉपर्टी, देयर विल बी 11 प्रॉपर्टी इन कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये होल्ड करे तो हम इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव रिंग कहते हैं। यहां आप एक चीज और डिफाइन कर सकते हैं, फील्ड। रिंग की कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी की कुछ और स्पेशल प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे इंक्लूड कर दें तो फील्ड बन जाएगा। आप यदि शुरू में देखें तो हमने सेकंड ऑपरेशन के लिए क्या कर दिया, यहाँ पे क्लोज और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो हमारा रिंग में है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहाँ लिया है आप, कम्यूटेटिव रिंग में लिया है, और आइडेंटिटी कहाँ लिया है आप, रिंग विद यूनिटी में लिया है। मतलब फील्ड के लिए क्या होगा, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। पहली आर में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी को लिख देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स करें, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। फिर सेकंड क्या है आपका, आर प्लस के लिए क्लोज हो, एसोसिएटिव हो, ये पांचों चीजें, आइडेंटिटी हो, इनवर्स हो और कम्यूटेटिव हो, और इसके साथ साथ ये गुणा के लिए भी हो जाए, क्लोज हो, एसोसिएटिव हो, आइडेंटिटी हो, इनवर्स, इनवर्स को मैं यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, और कम्यूटेटिव हो जाए। यदि ऐसी चीजें होल्ड होती हों, पांच ये दस और दो ये 12 प्रॉपर्टी होल्ड होती हो तो हम इसे क्या कहेंगे, फील्ड कहेंगे। या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन और लिख सकते हैं हम, ए रिंग, ए कम्यूटेटिव रिंग
शुरुआती हम कहां से ले लें, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी से ले लें, ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज सेड टू बी फिल्ड, वो फिल्ड कहलाएगा, रिंग की प्रॉपर्टी है, रिंग विद यूनिटी है, कम्यूटेटिव है, तीन तो ये होने ही चाहिए, और उसके साथ क्या होना चाहिए, इज सेड टू बी फिल्ड इफ देयर एग्जिस्ट, इफ देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करे आपका, इफ देयर एग्जिस्ट नॉन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन जीरो नंबर्स, क्योंकि जीरो का कोई इनवर्स नहीं होता है, इसलिए नॉन जीरो शब्द आ गया। नॉन जीरो, जीरो को आप यदि वापस ट्रेस आउट करेंगे तो ये जीरो शब्द किसके लिए आया है, हमारा पहले ऑपरेशन की आइडेंटिटी के लिए आया है, एडिटिव ऑपरेशन की आइडेंटिटी के लिए आया है। तो पहले ऑपरेशन की आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी सभी के लिए, इसको ऐसे याद रखिए, पहले ऑपरेशन की आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट्स का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे तो हम उसे क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। फील्ड मैंने यहां स्टार लगाया था आपको कि ये इनवर्स सभी के लिए लागू नहीं होता है एक्सेप्टिंग जीरो, जीरो को छोड़कर, जीरो इज हु, जीरो का मतलब यहां आप उस जीरो से नहीं लें जो अपन नंबर सिस्टम में जीरो लेते हैं, जीरो का मतलब यहां ब्रीफ में, जीरो का मतलब यहां पर उस टर्म से है जो पहले ऑपरेशन की आइडेंटिटी बनाती है, जो पहले ऑपरेशन की आइडेंटिटी है वो हमारी जीरो है, पहले ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है वो हमारी जीरो है, दूसरे ऑपरेशन की जो आइडेंटिटी है वो यूनिटी है। आप इसको अच्छी तरह से आप याद रख लें, ये आगे कंफ्यूजन पैदा कर सकती है, तो इनमें आपको दिक्कत नहीं आए, तो ये ब्रीफ कर दिया मैंने। तो यहां हमने चार डेफिनेशन देखी है, पहला रिंग, फिर रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग और फील्ड। एक और डेफिनेशन बनती है, डेफिनेशंस को हम यहां देख रहे हैं तो एक और डेफिनेशंस बनती है, इंटीग्रल डोमेन, ये मेरे हिसाब से इस चैप्टर की जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर अप कर चुके हैं। फर्स्ट है रिंग, रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग, फील्ड और इंटीग्रल डोमेन। यदि इंटीग्रल डोमेन भी हम पढ़ लें तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर आ जाती है। तो ए कम्यूटेटिव रिंग, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, ए कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, ये तो होनी चाहिए हमारी, है ना, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज सेड टू बी इंटीग्रल डोमेन, को आईडी भी लिखते हैं शॉर्ट में, इंटीग्रल डोमेन इफ एलिमेंट्स, यहां पर तो क्या होते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आए, फील्ड में तो क्या अंतर है फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में, यहां पर हम क्या लिखते हैं, देयर एग्जिस्ट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एक एलिमेंट और जुड़ जाए, यहां पे लिखते हैं इफ एलिमेंट्स आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स, आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स, यदि उनके एलिमेंट विदाउट जीरो डिवाइजर्स हों तो हम इसे क्या कहते हैं, इंटीग्रल डोमेन कहते हैं। अब ये एक नया टर्म आ गया है, एलिमेंट्स विदाउट जीरो डिवाइजर्स क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो विदाउट जीरो डिवाइजर्स हों उनको किस तरह से डिफाइन करते हैं या होते क्या हैं, तो इनको हम पढ़ेंगे। क्योंकि विदाउट जीरो डिवाइजर्स है इसका मतलब विद जीरो डिवाइजर्स भी होने चाहिए, तो यहां लिख लेते हैं अपन विद जीरो डिवाइजर्स, विद जीरो डिवाइजर्स और विदाउट जीरो डिवाइजर्स।
विद जीरो डिवाइजर्स, यदि दो एलिमेंट विद जीरो डिवाइजर्स हैं ए और बी, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए भी जीरो नहीं है। इसमें ऐसे हो सकता है कि ए भी जीरो नहीं हो, बी भी जीरो नहीं हो, बट ए बी इनका जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर हो जाए, आपका जीरो के बराबर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स ले लेता हूं मैं, ए इज इक्वल्स टू 1 0 0 1, ये एक मैट्रिक्स है, और बी जो है वो आपकी इस तरह से ले लीजिए एक मैट्रिक्स, जीरो, इसका गुणा ऐसे करेंगे तो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और यहां पे तो इसको जीरो बना लीजिए और यहां पे इसको ये बना लीजिए। तो आप देखते हैं ये एक मैट्रिक्स ए ऐसी है जो जीरो नहीं है, ये क्या जीरो है, नहीं है, क्या बी जीरो है, नहीं है, बट इन दोनों का गुणा करा के देखो आप, ए और बी का गुणा, पहली रो का पहली रो से ये वन इसके साथ जीरो बन जाएगा, दूसरी रो का दूसरी रो से वो भी जीरो बन जाएगा, पहली रो का दूसरी रो का पहले से ये भी जीरो बन जाएगा, और दूसरी रो का दूसरे से कॉलम से वो भी जीरो बन जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा आपका, ये इस तरह की मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं कि ये विद जीरो डिवाइजर्स का मैंने एग्जांपल दिया था कि एलिमेंट ए जीरो नहीं है, बी जीरो नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, विद जीरो डिवाइजर्स कहलाते हैं। लेकिन विदाउट जीरो डिवाइजर्स में ए बी जीरो हो, इसकी डेफिनेशन इस तरह से लिखते हैं कि ए बी जीरो हो, तो इसका सीधा अर्थ यह है कि या तो ए इज इक्वल्स टू जीरो होगा और बी इज इक्वल्स टू जीरो होगा, दोनों में से कोई एक जीरो जरूर होगा तभी वो जीरो बनता है। जैसे ये तो हम यूजली यूज करते आए हैं कि 2x बराबर जीरो है, जैसे आपके पास कोई भी लिखते हैं आप ए बी या कांस्टेंट लिखते हैं, जैसे 2x बराबर जीरो है, या दो ब्रैकेट हैं x माइनस ए x माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो हम क्या लिखते हैं, इसका मतलब ये है कि या तो x बराबर जीरो होगा और a होगा और x बराबर b होगा, वो इसी तरीके की डेफिनेशन से आता है। 2x बराबर जीरो है तो 2 तो जीरो हो नहीं सकता, तो x बराबर जीरो होगा, है ना। तो ये हम एग्जांपल्स ले रहे हैं जिसको हम यूज में करते आए हैं, उस तरह के एलिमेंट हो कि यदि दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो या तो a बराबर जीरो हो या b बराबर जीरो हो, तो हम इसे क्या कहते हैं, विदाउट जीरो डिवाइजर्स कहते हैं। विद जीरो डिवाइजर्स ऐसे एलिमेंट हैं जिनका या पहला एलिमेंट भी जीरो नहीं है, दूसरा भी जीरो नहीं है, लेकिन इनका प्रोडक्ट जो है वो जीरो के बराबर आता है। तो ये विद जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन, ये विदाउट जीरो डिवाइजर्स की डेफिनेशन। यदि विदाउट जीरो डिवाइजर्स एलिमेंट हैं तो वो, और कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है तो वो इंटीग्रल डोमेन बनता है, यदि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर जाएं तो वो फील्ड बनता है, यदि रिंग में केवल दूसरे ऑपरेशन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करे तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग बनती है, रिंग में यदि आइडेंटिटी दूसरे ऑपरेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करे तो वो रिंग विद यूनिटी बनता है। तो पहले ऑपरेशन के लिए तो अबेलियन ग्रुप होना ही चाहिए तभी वो रिंग बनेगा, दूसरे ऑपरेशन की कुछ कुछ प्रॉपर्टी एड करते जाते हैं तो नई नई डेफिनेशंस बन जाती है, दूसरे ऑपरेशन की कुछ, ये तो पांचवा इसमें होने चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटिव तो सब में होना चाहिए, ये आपका सब में होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी फॉर ऑल, सभी के लिए जरूरी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये रिंग के लिए जरूरी है आपकी ये सब चीजें, ये सब चीजें किसके लिए जरूरी है, रिंग के लिए, और इधर की दो चीजें भी किसके लिए जरूरी है आपकी, ये रिंग के लिए, ये रिंग के लिए, ये रिंग का मान काम हो गया आपका, इधर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये और ये दो, तो ये रिंग बन जाएगा। अब यदि इसमें आइडेंटिटी और जुड़ जाए तो ये इस ऑपरेशन की गुणा की जो आइडेंटिटी है वो ऐड हो जाए तो वो यूनिटी कहलाती है, यदि इनवर्स भी ऐड हो जाए और कॉम्यूटेटिव भी हो, उसके साथ कॉम्यूटेटिव होना जरूरी है क्योंकि अपने इसको लिखा है कि वो दोनों ही क्या बने, अबेलियन ग्रुप बन जाए, तो वो फील्ड बनाता है, और केवल कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऐड करे और यूनिटी हो तो हम उसे कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी कहेंगे,
तो ये क्रम से आप समझ लें कि दूसरे ऑपरेशन की दो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो वो रिंग बन जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर रही है तो रिंग विद यूनिटी बन जाएगा, और उसका लास्ट वाली प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कॉम्यूटेटिव रिंग बन जाएगी, और यदि वो कॉम्यूटेटिव रिंग भी रखता है और आइडेंटिटी भी रखता है तो कॉम्यूटेटिव रिंग बन जाएगा, विद यूनिटी बन जाएगा। और नेक्स्ट यदि वो इनवर्स भी रखे एक्सेप्ट जीरो, जीरो का तो एडजस्ट करते ही नहीं है, वन अपॉन जीरो अपन नहीं लिख सकते हैं, एक्सेप्ट जीरो, एक्सेप्ट जीरो का मतलब एक्सेप्ट एडिटिव आइडेंटिटी, ये आप याद रखें, एक्सेप्ट जीरो का मतलब आपका कौन सा है, ये एडिटिव आइडेंटिटी है। जीरो शब्द आप ध्यान रखें कि जीरो का मतलब क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी को छोड़कर बाकी सभी का इनवर्स एग्जिस्ट करे, आइडेंटिटी भी हो कम्यूटेटिव भी हो, मतलब इसके लिए भी सेमी ग्रुप बने और इसके लिए भी, मतलब पूरा एबेलियन ग्रुप बने और इसके लिए भी एबेलियन ग्रुप बने और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करे, तो हम कहेंगे कि वो फील्ड है। और इंटीग्रल डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होने चाहिए, ये नहीं हो तो भी काम चल जाएगा, आगे देखेंगे कि हो और तब भी क्या वो फील्ड भी क्या इंटीग्रल डोमेन बनते हैं, इसको हम एक थ्योरम की सहायता से पढ़ेंगे। तो ये नहीं भी हो, अभी तो ये है कि भाई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी इज सेट टू बी इंटीग्रल डोमेन इफ एलिमेंट्स आर विदाउट जीरो डिवाइजर्स। फील्ड और इंटीग्रल डोमेन में क्या रिलेशन है वो हम एक थ्योरम से पढ़ेंगे, फिर कब ये फील्ड इंटीग्रल डोमेन बनता है, कब इंटीग्रल डोमेन फील्ड नहीं बनता है, ये हम आगे चलकर एक थ्योरम है उसको देखेंगे जब समझेंगे। अभी परिभाषा के रूप में यदि हमारे को देखना है तो ये जो बेसिक चीज़ है वो आप ध्यान में रखें, इनमें कोई आपको दिक्कत आए तो यू कैन आस्क मी ऑन फोन और व्हाट्सएप एट्सेट्रा। ओके, थैंक यू।